Assalamu alaikum to everyone. आज की वीडियो हमारे पास जो है एक ओवरव्यू है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स का हमारे पास जो प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन होती है उसके बहुत सारी काफ़ी डिटेल में हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे लेकिन आज हम जस्ट उसके ओवरव्यू को लेंगे कि जिससे जो है थोड़े ही टाइम में हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को उस पर ईजिली ग्रिप ले सकते हैं अपनी यानी कि इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड हम किस तरह क्लासीफिकेशन को ईजिली समझ सकते हैं कि वह हमारे हम माइंड में परमानेंटली क्या हो जाए लर्न हो जाए हमारे माइंड में तो आज हम स्टार्ट करते हैं यही ओवरव्यू इन जस्ट फ्यू मिनट्स हम इजीली जो है इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होती है प्रोटीन्स की वो थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होती है नंबर वन हमारे पास आती है फिजियो केमिकल क्लासिफिकेशन और जो सेकेंड टाइप होती है वो होती है हमारे पास फंक्शनल क्लासिफिकेशन साथ साथ रिमेंबर भी कर सकते हैं बहुत इजीली फिजियोकेमिकल क्लासिफिकेशन फंक्शनल क्लासिफिकेशन और थर्ड हमारे पास आती है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पहले इन वर्ड्स को ही समझ लेते हैं फिजियो केमिकल क्लासीफिकेशन मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए उसकी क्लासीफाई किस तरह किया गया प्रोटीन्स को सेकेंड फंक्शनल यानी कि उसके फंक्शंस को देखते हुए प्रोटीन को किस तरह क्लासीफाई किया गया वो इसमें हम देखेंगे और स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन को हम स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो आपको होप याद भी हो गया होगा कि फिजियोकेमिकल क्लासिफिकेशन फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन आर द थ्री मेन क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं फिजियोकेमिकल क्लासीफिकेशन को हमारे पास आ गई है ये फिजियोकेमिकल क्लासिफिकेशन फिजियोकेमिकल क्लासिफिकेशन को फर्दर हमारे पास थ्री टाइप्स में है वो हमारे पास फर्स्ट है हमारे पास सिंपल प्रोटीन्स द सेकेंड टाइप इज अबाउट कंपाउंड प्रोटीन्स और जो थर्ड आती है दैट इज डिराइव्ड प्रोटीन्स सिंपल प्रोटीन्स कंपाउंड प्रोटीन्स एंड ड्राइव प्रोटीन्स आर द नेक्स्ट सब क्लासेज ऑफ फिजियोकेमिकल क्लासिफिकेशन। अब सिंपल प्रोटीन्स क्या होता है कंपाउंड प्रोटीन्स क्या होता है ड्राइव प्रोटीन्स क्या होता है सिंपल प्रोटीन्स मतलब हमें पता है प्रोटीन्स किससे मिल बनी हुई थी अमाइनोइसिड्स से मिलकर बनी हुई थी तो सिंपल प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स जब हम उनको हाइड्रोलाइज करें उनको ब्रेक डाउन करें तो हमें सिर्फ अमाइनो ऐसिड्स मिलें यानी कि सिम्पली अमाइनोइसड से मिलकर बन गई प्रोटीन दैट इज़ सिंपल प्रोटीन कंपाउंड का वर्ड जहाँ भी आता है इट मीन्स कि मोर देन वन थिंग यानी कि एक से ज़्यादा सब्सटांसिस मिलकर जब एक चीज़ बनाते हैं उसको हम कंपाउंड बोलते हैं ऐसी प्रोटीन्स जिसमें दो चीज़ें मिलकर जो है हम एक प्रोटीन दे रही हैं दैट इज़ कंपाउंड प्रोटीन्स थर्ड आती है ड्राइव प्रोटीन्स ड्राइव के वर्ड के नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि कहीं से ड्राइव करना अखज़ करना सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन्स की जब हाइड्रोलाइसिस या डी करते हैं तो उसके बाद वाली जो प्रोटीन हमें मिलती है दैट इज़ ड्राइवड प्रोटीन्स अंडरस्टैंड ये समझ आ गया अब हम इनकी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कि सिंपल प्रोटीन्स में कौन सी एग्जाम्पल आती है ड्राइव में कौन सी आती हैं और कंपाउंड में कौन सी आती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है सिंपल प्रोटीन्स हमने बात की कि सिंपल प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स जब उनको हम ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास सिंपली अमाइनो एसिड के आ जाए तो उसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल्स आती हैं वो आती हैं एल्ब्यूमिन सेकेंड इज ग्लोब्यूलिन थर्ड ग्लोबिन अपने एज अ नोट्स भी कर सकते हैं ये आपके लिए एज अ नोट्स बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं अमाइन हिस्टोन प्रोट अमाइन एल्ब्यूमिनोइड्स जो हमारे पास एल्ब्यूमिनोड्स होते हैं ना इसमें फर्दर थ्री एग्जाम्पल्स आती हैं हमारे पास इसमें भी थ्री आगे होती हैं एक हमारे पास होता है द सेकेंड इज कैराटिन और जो थर्ड वन हमारे पास होता है दैट इज लास्टिन ओके इट ये हो गई है हमारे पास एग्जाम्पल्स किसकी सिंपल प्रोटीन्स की ये जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन, ग्लोबिन प्रोमाइन हिस्टोन प्रोटामाइन एल्ब्यूमिनोइड्स में हमारे पास कॉलेजन कैराटिन एंड इलास्टिन अब इनकी भी फर्दर हम देख सकते हैं कि यानी कि इनका फंक्शन क्या होता है किस किस जगह पे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं किन फूड्स में कौन से इनके सोर्सेज ज़्यादा हैं तो वो भी हमारे पास एक टॉपिक एक एग्जैक्टली exactly एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है तो हम फर्दर अगर आप लोग इसकी भी डिटेल्स आते हैं कि हम इनको भी डिटेल में स्टडी करें तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाए लेंगे एक नेक्स्ट कॉमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा अब नेक्स्ट हम एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं कंपाउंड प्रोटीनस की ये वीडियो जस्ट ओवरव्यू है तो आप इनके नेम्स को जस्ट याद करें फिर नेक्स्ट हम इसकी डिटेल्स को भी कर लेंगे नेक्स्ट सेकेंड टाइप जो हमारे पास आती है दैट इज़ कंपाउंड प्रोटीन्स हमें पता है कंपाउंड ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दो है जिसमें दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ को बना रही हैं दैट इज़ कंपाउंड तो उसको हम बोलते है, ले 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 हैं कंपाउंड प्रोटीन्स अब एग्जांपल्स ले लेते हैं इसमें हमारे पास इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स आती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है, है न्यूक्लियो प्रोटीन्स अब इसके नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियो प्रोटीन्स यानी कि प्रोटीन भी होगी और उसके साथ न्यूक्लिक एसिड ज्वाइन होंगे तो वो दोनों मिलकर एक प्रोटीन जिसको हम कंपाउंड प्रोटीन बोलेंगे सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास आती है फोस्फोप्रोटीन्स इसके नेम से पता चल रहा है हमारे पास फोस्फोट का ग्रुप होगा अटैच विद प्रोटीन तो दैट प्रोटीन इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोटीन्स थर्ड पर हमारे पास आ जाता है लिपो प्रोटीन इट्स नेम शोज दैट इट कंटेन्स लिपिड्स अलॉन्ग विद प्रोटीन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें हमारे पास बहुत से म्यूकोपोलीसक्राइड्स वगैरह आ जाते हैं उसके साथ प्रोटीन जो है अटैच होगी कंटेनिंग प्रोटीन्स ठीक हो गया एक और एग्जांपल है इसकी हमारे पास दैट इज क्रोमो प्रोटीन्स क्रोमो क्रोमो का वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं किसके लिए यूज किया जाता है मेडिकल में दैट इज यूज फॉर कलर पिगमेंट ठीक है पिगमेंट अलॉन्ग विद प्रोटीन दैट इज क्रोमोप्रोटीन्स एंड लास्ट वन जो है हमारे पास वो है मटैलो प्रोटीन्स यानी कि मेटल्स के साथ अटैच प्रोटीन मेटल्स इसके नाम से पता चल रहा है मटेलो दैट इज मेटल तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हो गए कि किसकी कंपाउंड प्रोटीन्स की गॉट इट नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं दैट इज़ ड्राइवड प्रोटीन्स ड्राइव प्रोटीन हमने मैंने बता चुकी हूँ कि किसी चीज़ से ड्राइव की हुई सिंपल या कंपाउंड को जब हम हाइड्रोलाइज या डी नेचर करते हैं तो जो कम्पाउंड्स हमें मिलते हैं दैट इज़ कॉल्ड ड्राइव्ड प्रोटीन्स हमारे पास दो एग्जाम्पल्स की प्राइमरी ड्राइव और सेकेंडरी ड्राइव एक है हमारे पास प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन्स सेकेंड हमारे पास होता है सेकेंडरी प्रोटीन। अब इनका एक बहुत ही मेन पॉइंट है प्राइमरी कैसे ड्राइव होती है और सेकेंडरी कैसे ड्राइव होती है जब हम सिंपल या कंपाउंड की डी करते हैं तो हमारे पास आती है प्राइमरी थ्रू डी याद रखने वाला पॉइंट है इंपॉर्टेंट एज एम सी क्यू आ सकता है और सेकंड अगर हम उसकी हाइड्रोलिस करें बाय हाइड्रोलाइसिस तो वो हमें मिलती है सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन्स इनको हम हाइड्रोलिटिक भी बोलते हैं हाइड्रोलिटिक प्रोटीन्स क्योंकि हाइड्रोलाइसिस के जरिए हमें मिलती हैं तो इनको हम सेकेंडरी को हाइड्रोलिटिक प्रोटीन्स और सेकेंड वाले को हम डी ने या डी नेचर्ड प्रोटीन भी बोलते हैं ठीक हो गया ये हो गया हमारे पास ओवरव्यू क्लासिफिकेशन का हम एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो देखते ही याद भी हो जाए हमारे पास थ्री टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन की मेन दैट इज़ फिजियोकेमिकल क्लासिफिकेशन फंक्शनल क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन फिजियोकेमिकल क्लासिफिकेशन की फ़र्दर सब टाइप्स दैट इज़ सिंपल प्रोटीन्स कंपाउंड प्रोटीन्स एंड डराइव प्रोटीन्स तो सिंपल में हमने उनकी एग्जाम्पल्स को देख लिया है कंपाउंड में हमने एग्जाम्पल्स को मेंशन कर लिया है और ड्राइव की भी एग्जाम्पल्स को मेंशन कर लिया ये ओवरव्यू ऑफ क्लासिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट एग्जाम्स तो ये इधर एक एमसीक्यू के भी दो पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं हम हाईलाइट कर लेते हैं ये कि प्राइमरी को हम डिनेटर्ड प्रोटीन भी कहते हैं क्यों क्योंकि डी के ज़रिए से हमें ड्राइव होती है सेकेंडरी को हम हाइड्रोलिटिक प्रोटीन्स भी बोलते हैं क्योंकि हमें हाइड्रोलिसिस के जरिए से ड्राइव होती है नाउ वी मूव ऑन द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इस हवाले से हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं लेट स्टार्ट एग्जाम्पल्स जो आती हैं हमारे पास स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में इज ऑफ टू टाइप्स स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना वो प्रोटीन्स के दो तरह के होते हैं एक हमारे पास होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। द सेकेंड टाइप इज फाइब्रस दैट इज इट इनकी स्ट्रक्चर्स की बेस पे प्रोटीन्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है एक तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स और एक फ़ाइब्रस प्रोटीन्स ग्लोबुलर प्रो प्रोटीन्स होती हैं जो सफेरिकल इन शेप होंगी और फाइब्रस वो जो कि फाइबर यानी कि थ्रेड लाइक शेप में होंगे इनका एक क्राइटेरिया होता है जिसके ज़रिए से इनको इस तरह क्लासीफाई किया जाता है मतलब कि कुछ रेशोज़ होती हैं अगर लेस देन टेन हो तो वो ग्लोबुलर होगी अगर वो रेशो टेन से ज़्यादा आ जाए तो वो फाइब्रस में इंक्लूड हो जाएगी इसका जो है ना ये प्रॉपर डिटेल भी हम सेपरेटली अगर आप लोगों को डिस्कस करनी है तो वो भी आप बता सकते हैं तो हम डिस्कस कर लेंगे फर्दर चलिए हम मूव करते हैं थर्ड एंड लास्ट क्लासीफिकेशन दैट इज़ फंक्शनल क्लासीफिकेशन यानी कि क्लासीफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन यानी कि कौन सी प्रोटीन क्या फंक्शन परफॉर्म करिए उसकी बेसिस पर प्रोटीन को जो क्लासीफाई किया जाता है उस क्लासीफिकेशन को हम कहते हैं फंक्शन क्लासीफिकेशन तो अब हम उनके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं एक दफ़ा कि इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आती है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है कैटलीटिक प्रोटीनस कैटालिटिक नेम से ज्या हो रहा है कैटालाइसिस ऐसे प्रोटीन जो कैटालाइसिस के रिएक्शंस पर परफॉर्म करवाएंगे उनमें टेक पार्ट करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे कैटाटिक प्रोटीन्स देंकेंड वन इज़ रेगुलेटरी प्रोटीन्स यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज़म्स हो रहे होते हैं उनकी जब रेगुलेशन करवाता है तो उस प्रोटीन्स को हम कहते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स थर्ड पर हमारे पास आ जाती हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल प्रोटींस यानी कि कुछ प्रोटीन के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनसे हमारे सेल्स को हमारी बॉडी को क्या स्टेबिलिटी मिल रही होती है स्ट्रेंथ मिल रही होती है तो ऐसे प्रोटीन्स को हम बोल रहे थे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स नेक्स्ट फोर्थ में हमारे पास आ जाता है दैट इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स यानी कि जो हमारे ब्लड के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस को क्या कर रही होती हैं ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर फ्राम वन ऑर्गन टू एन अदर ठीक है एक सेल्यूर से दूसरे सलोरन वगैरह मतलब ट्रांसपोर्ट का कर प्रोसेस करने वाली प्रोटीन्स को हम क्या बोल रहे थे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स फिफ्थ एग्जाम्पल जो हमारे पास आती है वो आती है डिफेंसिव प्रोटीन्स कुछ प्रोटीन्स क्या होती हैं एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर लेती हैं हमारी बॉडी में ठीक है फिर एंटीबॉडीज़ हमारे कोई भी एजेंट बाहर से आता है जो हमारी बॉडी के लिए नुकसान दे तो एंटीबॉडीज़ उसके खिलाफ वर्क करके तो क्या करती हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं डिजीज़ से इंफेक्शन से तो वो प्रोटीन्स क्या होंगी डिफेंसिव फंक्शन इसके नाम से पता चल रहा है हमारी हिफाजत हमारे डिफेंड करने के लिए हमें सिक्स एग्जाम्पल हमारे पास आती है कॉन्ट्रेक्टायल प्रोटीन्स बट इस कॉन्ट्रक्टायल प्रोटीस यानी इसमें हमारे पास एक्टिन और मायोसिन आ जाती है जो कि हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं ठीक है कॉन्ट्रक्टायल इसके नाम से समझ आए मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो हेल्प कर रही होती है प्रोटीस उनको हम कहते हैं कॉन्ट्रक्टायल प्रोटीस उनमें मेनली हमें पता ही होगा आप लोगों ने स्टडी किया होगा एक्टिन एंड मायोसिन वगैरह इनका जो हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन का पूरा होता है तो उसमें ट्रोपोनिन मायोसिन वगैरह जो होती हैं जो मसल की कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प कर रही होती हैं तो उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं कॉन्ट्रकटायल प्रोटीन्स सेवन्थ में हमारे पास आ जाती है जेनेटिक प्रोटीन्स जेनेटिक प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स जिसमें हमारे पास हिस्टोन आ थे और प्रोटामीन है ये दो हैं हमारे पास हिस्टोन एंड प्रोटामीन ये क्या करती है न्यूक्लिक एसिड्स के साथ कंबाइन करके हमें डीएनए और हमारे आर बनाती हैं तो दैट प्रोटीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक प्रोटीन्स इनके हमारे जीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं डी एन हमारा हेरिटेटी मटीरियल तो उनके साथ कंबाइन करके हमारे डीएनए और आरएनए बनाती हैं लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज़ स्टोरेज प्रोटीन्स कुछ प्रोटीन्स ना स्टोरेज फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है ठीक है न्यूट्रिशनल पर्पजेज़ के लिए ठीक है उनमें हमारे पास ओवल और, एल्ब्यूमिन आ जाती है जो एग के अंदर होती है वाइट कलर की तो वो के अपने अंदर उन्होंने बहुत से जो है ना वो अपने अंदर स्टोर किए हुए होते हैं न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के लिए तो दैट प्रोटीन्स इज़ कॉल्ड स्टोरेज प्रोटीन्स सो so गाइज ये था हमारा ओवरव्यू ऑफ कंप्लीट क्लासीफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं थ्री क्लासेस हमने डिस्कस की है नंबर वन पे हमने डिस्कस की थी फिजियोकेमिकल उसके फर्दर थ्री टाइप्स थी सिंपल कंपाउंड एंड डेराइव्ड सेकेंड पर हमने देख लिया स्ट्रक्चरल थर्ड पर हमने देख ली फंक्शनल क्लासिफिकेशन तो होप आप लोगों को ये वीडियो के बाद आइडिया तो अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन आए तो आप कंप्लीट उसको लिख सकते हैं तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ओके okay, अला हाफ